देखो जितनी पीड़ा तुम्हें मुझे और कृष्ण को यहाँ से छोड़कर जाने में हो रही है उतना ही दुख मुझे और कृष्ण को भी अनुभव हो रहा है। क्यों ना तुम लोग कुछ दिन यहाँ द्वारका में ही रुक जाओ ना। नहीं राधा, तुम्हें और कृष्ण को यहाँ प्रसन्न देखकर, हम सभी के प्रति तुम दोनों का प्रेम देखकर हम सभी अति प्रसन्न हैं। अब हमें वृंदावन लौटना ही होगा। हमारा प्रेम सदैव तुम सबके साथ रहा है, सदैव रहेगा। आज विजयादशमी का यह उत्सव हम सब ने साथ मिलकर मनाया है और इसीलिए आप सबके जाने से पूर्व आप सबको ये स्मरण करवाना चाहता हूँ कि हर एक स्त्री माँ दुर्गा का रूप है, जो सुंदर भी है, निष्पक्ष भी है और समय आने पर कठोर भी है। वे सभी गुण मैंने अपनी राधा में भी देखे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाम के आगे राधा का नाम जुड़ गया है। हम सबने राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन में देखा है, किंतु आज हमें जो तुम्हारे प्रेम का नवीन रंग देखने मिला वो और भी गहन है। हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगों युगों तक स्मरण किया जाए। गोपियों ने राधा को पुनः वही बात स्मरण करा दी जिसे लेकर मैं चिंतित हूं। मैं आपसे विनती करती हूँ, चलिए यहाँ से, चलिए ना। तुम सिखाओगी मुझे क्या करना है? देखता हूँ तो मुझे कौन रोकता है। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए देवी, आप दोनों के आने से हमारे इस उत्सव की शोभा और भी बढ़ गई है। अच्छा आराध्य, अब आज्ञा दीजिए, परंतु हम यदि किसी भी विषय में मेरी आवश्यकता पड़े तो अपने इस भक्त को सचेत करने में विलंब मत कीजिएगा। अपने निश्चिंत रहिए आराध्य, द्वारका में सब कुछ सकुशल है। पता नहीं क्यों, परंतु मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। क्या अर्थ है कि तुम में से किसी को कुछ ज्ञात नहीं है? या द्वारका में कोई भी कभी भी ऐसे ही आ सकता है क्या? उत्तर चाहिए मुझे। जाइए आप सभी यहां से अभी। अच्छा हुआ काना तुम यहाँ आ गए, मुझे इसी विषय में तुमसे बात करनी थी। हुआ क्या है, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? काना, मैं इन सभी रक्षकों से पूछ चुका हूँ किंतु इनमें से किसी को कुछ ज्ञात नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था जो वहाँ भरी सभा में राधा और अन्य सभी गोपियों के साथ छेड़छाड़ की। हमारी सभा में आकर बस एक बार मुझे ज्ञात हो जाए काना कि वो है कौन, उसके पश्चात ऐसा दंड दूंगा उसे कि जीवन में कभी ऐसा ऊंचा कृत्य करने के विषय में सोचेगा भी नहीं। शांत हो जाइए दाऊ, यदि किसी के नियति में कोई कर्म लिखा है तो उसे करने से हम रोक नहीं सकते। उसकी नियति में कहीं मेरे हाथों मरना न लिखा होगा ना, उसके लिए अच्छा यही होगा कि इसके पश्चात वो ऐसा कोई कृत्य दोबारा ना करे। हम तो आप दोनों का ये प्रेम, ये दिव्य संबंध प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, किंतु मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का ये प्रेम युगों युगों तक स्मरण किया जाए। किन विचारों में खोई हो रहे थे? कृष्ण, जाते जाते भी गोपियां वही कहकर गई जो मेरे मन में है कि हमारी प्रेम कथा को सारा संसार
युगों युगों तक स्मरण रखे। चाहता तो मैं भी यही हूं, किंतु इसे साकार कैसे करें, बस इसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। किंतु मेरे पास है, मैंने सुना है कि महर्षि वेद व्यास एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें वो तुम्हारे विषय में भी लिख रहे हैं। तो क्यों ना तुम जाके उनसे अनुरोध करो कि वो हमारी प्रेम कथा के विषय में भी लिखे। यदि तुम चाहती हो तो मैं उनसे अवश्य बात करूंगा, किंतु क्या ऐसा करना उचित होगा, इसके विषय में तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास एक अत्यंत महान ज्ञानी है, और ये ग्रंथ जो वो लिख रहे हैं वो मात्र उनके लिए ग्रंथ नहीं है, ये तो उनके लिए साधना है, वर्षों की तपस्या है, ज्ञान का सार है। ऐसे में वो अपने ग्रंथ में वही लिखेंगे जो उनके ज्ञान और साधना के अनुरूप होगा। अब ऐसे में यदि मैं जाके उनसे अनुरोध करूंगा तो क्या वो उचित लगेगा ना? बात तो तुम उचित कह रहे हो, मैं ही अपनी भावनाओं में बह गई थी। तुम विश्राम करो, मैं तुमसे मिलती हूं। जो तुम चाहती हो वही तुम्हारे कृष्ण की भी इच्छा है राधे। बस अब आशा करता हूं कि कुछ न कुछ करके तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण कर पाऊं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आज जो हर्षोल्लास द्वारका में देखा गया वो बढ़ता ही जाए। कौन हो तुम? शीघ्र जान जाओगी। मैं अपना अपमान कभी नहीं भूलता। जाओ और जाकर कह दो समस्त द्वारिका वासियों से, अब संघचूर अपना प्रतिशोध लेके रहेगा द्वारिका की उन स्त्रियों को और उस कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं मैं।